ये टेंडेंसी भी रही है कि असी कई बार मार्क्स जिस यूनिवर्सिटी ज़्यादा आते हैं उस यूनिवर्सिटी वल भजते हाँ। पिछली वीडियो जिद मैं क्लीयर करके ये दस्या कि मार्क्स केड़े इंपोर्टेंट ने केड़े नहीं इंपोर्टेंट और सब तो वध फायदा किस तरह होना उसका लिंक नीचे दिता गया है डिटेल च देख सकते हैं क्योंकि जॉब एनालिसिस जॉब पिछलियाँ एडवरटाइजमेंट जो आईया से उन्होंने एनालिसिस करके सारा दस्या हुण तुसीं बी एड कर जा रहे हो तुसीं दो तरह के मार्क्स तुहानूं एक एक्सटरनल मार्क्स और इंटरनल असैसमेंट टोटल डी एम सी दे विच ए लिखा होएगा है ना। इस तो इलावा थ्यूरी तो प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। मैं इत्थे पहलां तुहानूं ये दस दें कि एक्सटरनल का की मतलब है ए एक्स इस तरह डी एम सी मिलिया होगा एक्सटरनल असैसमेंट या एक्सटरनल मार्क्स असैसमेंट लिख देना एज मतलब समझो वैसे है गधे वाला काम ही है और इंटरनल असैसमेंट इतने लिख दें इंटरनल असैसमेंट ज़्यादा ही गधे वाला काम है। सो एक होएगा प्रैक्टिकल हो जाते हैं है ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स होंगे ने प्रैक्टिकल काफ़ी बी एड होंगे ने। सो एक्सटरनल तो इंटरनल इस कहते हैं जेडे थ्यूरी के पेपर देंगे हो थ्यूरी के पेपर जिस विच तुहानूं हर हालत में तीन घंटिया कुछ ना कुछ लिखना ही होंगे कुछ ना कुछ लिखना होंगे क्योंकि इन्नी अच्छी तरह पेपर चैक नहीं होंगे सच्ची गल है लिखा होना चाहिए है। मैं नुक्ते दस दंगा किस तरह मार्क्स ज़्यादा आते हैं। सो इंटरनल असैसमेंट 100% कॉलेज के हक में होंगी है जिहड़ी तुहाडी टीचर ने लाउणी होंदी है सबजैक्ट जिहड़ा टीच कर रहा है ठीक। जिहड़े तो कॉलेजों में टीचर हैं उत्थे टीचर लाते हैं तो जिन्हां कॉलेजों में मतलब फिर तुसी बाकी समझते हो पॉसिबल है। प्रैक्टिकल विच तुसी देखो कि दुनिया के सारे मुल्कों का कंपैरिजन कर लो प्रैक्टिकल च साढ़े टॉप ते मार्क्स लगते हैं टॉप ते है ना 85 to मेरे ख्याल च मैं हुण की दसा कहना नहीं चाहता इत्थे तक मार्क्स लग जाते हैं। जिहड़े लोग ये अमेरिका च जाते हैं तो वह प्रैक्टिकल चो साढ़े लोग सब तो ज़्यादा फेल होंगे हैं और थ्यूरी चो सब तो ज़्यादा मार्क्स असी जो फॉरन स्टूडेंट बन के जाते हैं सब तो ज़्यादा गेन होंगे हैं। साडा सी टैट पी टैट यह बार बार कहेगा कि प्रोजेक्ट मैथड प्रैक्टिकल ना एक्टिविटी बेस्ड उस असी इन्ने ज़्यादा मार्क्स खुले दिने हैं उ बच्चे प्रैक्टिकल मेरे ख्याल च उड़ा की पूछ भी शायद ना आती हो। सो इस तरह तुहाड़े मार्क्स लगने हैं थ्यूरी दे मार्क्स इंटरनल असैसमेंट वेटेज जिहड़ी दित्ती जांदी है 30% इहदी होएगी 70% वेटेज इहदी होएगी। ये क्यों है क्योंकि UGC ने कहा सीगा कि सेमेस्टर सिस्टम कर दो और वेटेज जिहड़ी है इंटरनल ते एक्सटरनल दी 70-30 दी कर दो फिर तुहानूं ग्रांट जिहड़ी करोड़ां रुपए मिलेगी। यूनिवर्सिटियां ने रातों रात इस नूं कर दिता ओके। प्रैक्टिकल दी कई यूनिवर्सिटी ने अपर लिमिट मिथी हुई है कई नहीं मिथी हुई हाँ हूँ ये समझ लीए कि कितने केड़ी यूनिवर्सिटी की फायदा है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सब तो सख्त यूनिवर्सिटी सब तो साइंटिफिक यूनिवर्सिटी और सब तो वध तुहानू जॉब के करीब ले जाण वाली यूनिवर्सिटी सब तो वध लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरमेंट बनाउण दी करन वाली सब तो घट सीटा इहदे विच ने सब तो घट कॉलेज इहदे विच ने और कॉलेजों में टीचर लगभग हर कॉलेज वध तो वध जे तिना यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करना हो वध टीचर ये मिलेंगे। दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ च ये हालत की जा सकती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है। कारण की है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में यह जी इंटरनल असैसमेंट की गल करके आए हाँ नवा ग्राफ बना लें हाँ वाइट नाल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इतने GNDU मैं लिख दिता है GNDU ओके थ्यूरी मार्क्स जेडे ने एक्सटरनल और इंटरनल असैसमेंट सॉरी असैसमेंट ए हो गई एक्सटरनल असैसमेंट ओके जेडे तुसी थ्यूरी मार्क्स देने हैं। एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसैस है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कृपा करके अपने टीचरों तो कॉलेज न लड़े हो ना उन्हों का कोई कसूर नहीं है इसको समझ लियो इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसैस कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसैस की है कि जेकर रूल की है वह दसन लगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी पटियाला तो यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नहीं है जेकर थ्यूरी दे पेपर फॉर एग्जाम्पल तो इंटरनल असैसमेंट में फर्क 20% तो ज़्यादा है डिफरेंस 20% तो ज़्यादा है तो यूनिवर्सिटी नू हक है कि उन्हों नॉर्मलाइज कर दिता जाएगा नॉर्मलाइज कर दिता जाएगा। वो की है नंबर एक फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे तुसी ये कहते हो कि बच्चे की असैसमेंट तुसी ला के भेजती 85% ओके तो इधर तुसी बच्चे ने गेन किन्ने किए है बच्चे ने गेन किए है 64% ओके परसेंटेज में दस रहा हाँ परसेंटेज
असैसमेंट लाती है। हुण 64 ते इहदे विच फर्क किन्ना आ गया, 20 तो ज़्यादा, मतलब 21 कलर चेंज करके 21 दा ये फर्क आ गया। इत्थे हुण नॉर्मलाइजेशन हो जानी है। नॉर्मलाइजेशन की है कि तुहाडे जिहड़ी इंटरनल असैसमेंट 85% लगी है, ये यूनिवर्सिटी रिड्यूस करके 64% कर देगी। फॉर एग्जाम्पल तुसी देखो किन्ने मार्क्स किन्ने परसेंट कटने हैं, ये तुसी खुद ही अंदाजा लगा लो। की हुंदा है कि इत्थे ये अच्छा साइंटिफिक मैथड है, इंडिया की सिर्फ यही यूनिवर्सिटी है जिथे अप्लाई होया, होर कितने भी नहीं अप्लाई होया। हुण जिहड़ा चाचा मामा ताया जिन्हों को फीस ज़्यादा लई हुई है, उन्हां दे असी दब के दूजी सारिया यूनिवर्सिटी दी इंडिया की गल करिया, दब के असैसमेंट लाई जाती है 95 जी 98 जी 99 जी। चलो छड्डो तुसी, चलो छड्डो, मैं दिखाना हाँ कि ये इत्थे शायद पहला मैं डिस्कस किया भी होया है। ये इत्थे किन्नी असैसमेंट लगी हुई है, पहले पेपर चो 30 चो 30 लगी हुई है, 100% 30 चो 30 है। दूसरे चो 30 चो 30 है 100%, तीजे चो 30 चो 30 है 100%, चौथे चो 100%, 15 चो 15 लगी हुई है 100%, SS चो 15 चो 15 100%, अगले चो 100 चो 100%। अगे मतलब इस तरह सुपरमैन भी हैं कई, बड़ा अच्छा बच्चा होएगा जिसने इन्नी मेहनत की कि थ्यूरी चो जां इन्ना प्रभाव अध्यापकों ते पाया, तो 100% मार्क्स तुहाडे सामने है, ले जा दिते जा रहे हैं। पर मैं कह रहा हाँ कि ये बच्चा बड़ा खुश बैठा होएगा कि मेरे इन्नी असैसमेंट लगी है। पहला तो इंटरव्यू विच इन्हां नूं क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जे सियाणा इंटरव्यू लैण वाला होया कि कोई सुपरमैन इस तरह हो सकता है प्रैक्टिकल ते थ्यूरी दे। ओके, तो दूसरी गल है, मन लो है भी लग गए, सब दे लग गए, तुहाडे सब दे ही लग गए। अच्छा, बच्चे लड़ते ने कि उन्होंने उस कॉलेज लगे आ, ना लड़ो कोई फायदा नहीं है। कारण की है, बी एड दे जॉब विच मार्क्स की जीरो वैल्यू है, जीरो जीरो वैल्यू। कितने ये भी नहीं लिखा होया कि मिनिमम इन्ने परसेंट बी एड जिन्हें की है, वह यह भी नहीं लिखा होया। सो 55 तो सब दे आ ही जाते, एलीजिबल हो ही जाते हैं, 60 50 65 इन्हें आ ही जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ने। सो इसका कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अजिही टेंडेंसी दौड़ विच ना पाओ, ये पैरे मुबारक, खुश रहन बहुत अच्छा है। जो मैं भी असी भी साड़ी ड्यूटी लगती, मैं बड़ा दबाव पाया जाता है कि सर 95 ये लगा दो, इस 98 लगा दो, है ना। तो दो कॉलेजों में तो मेरी सीधी सीधी ओ इसी मैं छड़ के ही आ गया सी कि यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं है, बच्चा कुछ पोटेंशियल दिखाओ तो सही, है ना। चलो ये लग गए ठीक है, कोई गल नहीं है। गल की है कि आनी लर्निंग कम है, वापस चलते हाँ कि ये जो फर्क है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का फर्क है वो 21% या इस तो वधदा है, तो उसनू नॉर्मलाइज कर दिता जाता है। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी या दुनिया सॉरी इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो इस तरह नहीं किया जाता है, ये मेजर फर्क है। इत्थे की हुंदा है, मान लो असैसमेंट ला के बच्चा कहिंदा है कि उसने मेरी घट असैसमेंट लाई, है ना, सोच के लाई, वो टीचर अच्छा है। तो जे तुहाडी असैसमेंट तो तुसीं बीमार हो गए जां कोई कोई उस दिन घटना, उस दिन डिप्रैशन, कुछ दिन एंगजाइटी, उस दिन कोई लड़ाई, कुछ भी हुंदा है, हर क्लास च हुंदा है, हर एग्जाम च हुंदा है, उहदे करके ये घट गए, तुसीं लुढ़क गए, तुसी लुढ़क गए। बाद विच उस कॉलेज नू, उस टीचर नू तुसी ब्लेम दिंदे हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च ये नहीं कर सकते, प्लीज़ ये ना करना। ये चाहिदा है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे टीचर एजुकेटर नू ये वीडियो दिखा देनी चाहिए है कि इत्थे साडा कसूर नहीं है। हाँ, उल्टा भी है, जेकर जेकर ये किसी बच्चे दे इत्थे 40% लगाए ने, इस नू मैं रब कर दिया, इत्थे रब कर दिंदे हां, जेकर किसी बच्चे दे 40% लगाए हैं, है ना, बहुत घट किसी नाल लगती सी जिन्हों कहने, तो वह बच्चा लै गया है 64%। इन्हें ही हुण डिफरेंस किन्ना है, डिफरेंस किन्ना बन गया 24%, 20% तो वध है, उन्होंने डिफरेंस लिखा है, यह नहीं है घट। फिर तुहाडे 40% नूं वधा के 64% कर दिता जाएगा, ठीक। सो एक एक्सटर्नल ते इंटरनल दा असैसमेंट दा फर्क जिहड़ा है 18-19% तो वध नहीं चाहिए, 15% तक रिस्क लो, इस तो वध नहीं, है ना। कोई दबाव टीचर ते ना पाओ, अजिहा साइंटिफिक है, ये सारिया यूनिवर्सिटियां विच अप्लाई होना चाहिए है। क्यों नहीं अप्लाई होंदा, इस बारे मैनू
कोई खबर नहीं है। वापस चलते हाँ कि जिहड़ी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की जां इहदी यूनिवर्सिटी की गल कीती सी, मोस्ट रिजिड यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटरनल असैसमेंट ते थ्यूरी पेपरां मुताबक आ गई। अच्छा थ्यूरी एक्सटर्नल पेपर, एक्सटर्नल पेपर विच सब तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं पंजाबी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चो टॉप ते मार्क्स, हाँ मेरे ख्याल से 90 CGP होंदा है, ग्रेड सिस्टम है, लेकिन इस दे ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये बच्चों के पेपर भी देखे ने, मैं लिखिया थोड़ा होंदा है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पूरी 32-36 शीट्स जिन्हें हैं भरिया पैंदियां, फिर भी इन्हां दे मार्क्स पहले नंबर पर सब तो ज़्यादा एक्सटरनल असैसमेंट एक्सटरनल मार्क्स थ्यूरी मार्क्स इस यूनिवर्सिटी आते हैं, दूसरे नंबर पर ज़्यादा इसते आते हैं, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के तीजे नंबर पर आते हैं। घबराना नहीं है, इतने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी साइंटिफिक है, ठीक है, लर्न कर लो बैटर है। जे तुसी इत्थे भी हो ज़्यादा ले ले मार्क्स कोई गल नहीं, मुबारक है, लेकिन लर्न नहीं किया कोई मुबारक नहीं है। सो ये डिफरेंस है इन्हों का। दूसरा कि जिहड़ा इसनू फिर रब कर दिता जाए, इसनू रब रब मैं डर दी रब रब कर दी करती, तो काश साढ़े कर्म भी इदा मिट जाते, पर इदा नहीं मिटते। कर्म मिटाने दे ते पावर चाहिए है, पावर साढ़े कोल नहीं है, किसी होर तो मिलनी है। जे मिलती है फ्री च तो लै लो, जिवें सूरज की रोशनी। अच्छा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ज सारिया यूनिवर्सिटियां GAP है ना, गवर्नमेंट एडेड तो प्राइवेट। अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी जिन्हें मर्जी मार्क्स लाओ कोई फर्क नहीं है पैंदा, लेकिन इन दे कॉलेजों में फर्क है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे ही कॉलेजों के गवर्नमेंट कॉलेज दे विच 30 दे विच्चों मिनीम 16 मार्क्स भी लगते हैं। ओके तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज मिनीम तुम 27 या 28 मार्क्स हो गए मिनीम, फर्क देखो तुसी। और एडड दे विच एडड फिर भी इन्हां दे कोल रहिंदे ने, पर 25 के करीब होएगा। सो द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, एक इन्हां ने दस्या है यूनिवर्सिटी दे नुमाइंदियां नाल जिन्हां नाल गल हुंदी है, उन्होंने ही मैंने दसिया है कि इन्ना फर्क हुंदा है, जो सानू लिस्ट देख के पता लग जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट नलायक तो नलायक बच्चा जिहड़ा कदे आया ही नहीं है, है ना, उहदे भी मार्क्स मतलब टॉप ते जांदे ने, है ना, डिफरेंस ही नहीं हुंदा। 28-29-30 डिफरेंस होएगा, इधर 16 तो लैके 25 तक लगभग इन्ना। जनरलाइज नहीं करना, मैं फर्क की सिर्फ गल कर रहा हाँ। इस तरह गुरु नानक विच भी फर्क होएगा, इतने भी इतने गवर्नमेंट कॉलेज, चलो है हाँ सच ये फर्क होंदा है। सो गवर्नमेंट कॉलेज विच इतने गवर्नमेंट कॉलेज ठीक ने, मैं इन्हां दे फेवर च हाँ कि वो बिल्कुल साइंटिफिक ला रहे हैं। जिस बच्चे ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई उसनों 16 ते रखा है, ये भी ज़्यादा ने ये भी ज़्यादा, इतने गवर्नमेंट कॉलेज ठीक ने। इतने प्राइवेट कॉलेज सिर्फ तुहानू अट्रैक्ट करन लई करदे ने, मैं कहना अट्रैक्ट नहीं होना, लालची नहीं बनना, तुहानू उहदा कोई भी फायदा नहीं है। वो बच्चे ने 100% मार्क्स लै ले, जिंदगी च कितें भी फायदा नहीं है, नुकसान पक्का होएगा। कि सुपरमैन साबित करो कि तुसीं तो सुपरमैन हो, साबित करो, है ना, शक्तिमान हो तो साबित करो। इस तो इलावा प्रैक्टिकल दे मार्क्स उसकी भी लिमिट है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मोस्ट रिजिड यूनिवर्सिटी आती है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल दे 85% की लिमिट वजी रखी हुई है। इस तो बाद टीचर जो प्रैक्टिकल लैन जाता है वह नहीं दे सकता। जेकर ये नहीं है कि जेकर इस तो वध मार्क्स बच्चा डिजर्व नहीं करता होएगा, जस्टिफाई करते हैं कि बच्चे का प्रैक्टिकल रखा जाए, जेकर लगता है कि 85 तो ये वध लगने चाहिए है, तो यूनिवर्सिटी का पैनल बैठेगा ज जिहड़ा उहदा मटीरियल है, जां बच्चे नूं यूनिवर्सिटी वो पैनल दे सामने पेश कीता जावे, फिर पैनल देखेगा कि 85 वाला सुपरमैन है, जे सुपरमैन है तो उहदे 86, 87, 89 बन जांदे आ। सो डरदा कोई जांदा ही नहीं है, अज तक शायद ही कोई गया होवे, हो सकता है कोई गया होवे, मैनूं केस नहीं पता कि 85 तो वध किसे दे प्रैक्टिकल चों लगे होण। ते इधर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ते पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी विच नॉर्मली तुहाडे 95, 96, 97, 98, 99 तक मार्क्स लग जांदे आ, है ना। सो ये डिफरेंसेस ने जेडे मार्क्स दे ने, इना च नहीं पैना, इना च नहीं पैना। बार बार क्वेश्चन टेट विच आएगा कि बच्चे दे टीचर है जेड़ा बच्चे दे मार्क्स ज़्यादा ले आंदा है, नहीं, जेड़ा बच्चे दी लर्निंग ज़्यादा करवांदा है, कंसैप्ट क्लीयर करता है, जिंदगी नू बैटर करता है, उसके एटीट्यूड नू पॉजिटिव करता है, उसके इमोशन नू पॉजिटिव करता है, उहदे जिहड़ी सोशल स्किल्स है उसनू पॉजिटिव करता है, उहदी स्पिरिचुअलिटी नू पॉजिटिव करता है, उहदी एनर्जी नू अपवर्ड लैके जांदा है, उसनू जिंदगी जीण दा नज़रिया देखण लई कहिंदा है, उसनू जिंदगी दी दौड़ विच मॉडरेट होण लई हैल्प करता है, वो टीचर है। थैंक यू।